हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे एक रिक्रूटमेंट से जुड़े कुछ नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा आपके सामने है, छत्तीसगढ़ स्टेट प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा जो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी है, पद है इसमें अप्रेंटिसशिप पदों के लिए, नंबर ऑफ पोस्ट है 156 और आवेदन स्टार्ट है 27 मार्च से, लास्ट जो डेट है वो है 26 अप्रैल जी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह की रेगुलर वीडियो चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और नोटिफिकेशन जारी है 156 पोस्ट के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। और इसमें पोस्ट की बात करें, ग्रेजुएशन लेवल के लिए 48 है, डिप्लोमा लेवल के लिए 63 है और नॉन इंजीनियरिंग लेवल के लिए 45 है। इसमें एजुकेशन की बात करें तो इसमें इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। सिलेक्शन जो होगा मेरिट बेसिस पर रहेगा। स्टाइफन है वो 9000 पर मंथ है और जो भी फॉर्म है आपको फिल करके इस एड्रेस पर आपको भेजना रहेगा जी। तो ये यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है, तो ये आप दे सकते हो पोस्ट से रिलेटेड डिटेल और यहाँ पर आके आप पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ग्रेजुएट इंजीनियरिंग और डिप्लोमा और नॉन इंजीनियरिंग वालों के लिए ग्रेजुएट बेसिस पर पोस्ट से रिलेटेड डिटेल यहाँ पे डिफाइन की गई है और नंबर ऑफ पोस्ट रिक्वायरमेंट के क्या क्या है एजुकेशनल और यहाँ पे पे स्केल के बारे में या स्टाइफन के बारे में बताया गया है। सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, किस बेसिस पर रहेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनसे रिलेटेड यहाँ पे डिटेल दी गई है, तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मेंशन किया गया है, फॉर्म फिलअप करके आपको इस एड्रेस पे भेजना रहेगा जी हाँ। तो ये यहाँ पे आपको जो फ्रंट में क्या क्या लिखना है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर आके आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको प्रिंट आउट करना है, फिल करना है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जिस भी बेसिस पर आप पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो उससे जुड़े जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको अटैच करने हैं और एनवल्प में जो भी यहाँ पे डिटेल दी गई है वो आपको फिल करके उनको कोरियर या स्पीड पोस्ट करना है। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप पोस्ट से जुड़ी जो भी डिटेल है वेरीफाई कर सकते हैं जी। तो ये थी बेसिक डिटेल आज के टॉपिक से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। कुछ पॉइंट अगर मिस रहा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।